बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं गोहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम गोहर वाकफियामा जमात दोम का बाब नंबर 5 पढ़ेंगे और आज हम सफ़ा नंबर 37 पे पौधे और जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा नंबर 37 खोल लें। जी तो बच्चों, आप सबको पौधों का पता है ना, और आप लोगों को पौधे पसंद भी होंगे, आपने अपने घरों में लगाए भी होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पौधे और जानवर क्या होते हैं। जानवरों के बारे में कभी आपने सोचा है? कभी आपने सुना हो कि किसी ने अपनी गाय बनाई? नहीं ना, गाय कोई बनाता तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला ने गाय को पैदा किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से पौधे और जानवर क्या हुए? कुदरती वसाइल। ठीक है, हर वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की है, हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है, वो कुदरती है, वो कुदरती वसाइल कहलाती है। तो पौधे और जानवर भी इस तरह से कुदरती वसाइल हुए। हम इनसे खुराक हासिल करते हैं और इनको कई कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है कपास की रुई से धागा बनता है, जैसे कि हमारे जो कपड़े हैं वो कपास की रुई से धागा बनता है और उसके बाद उसको हम कपड़ा बनाते हैं, जिससे जुराबे भी बनती हैं और पहनने के मुख्तलिफ अकसाम के कपड़े बनते हैं। इसके साथ ही साथ पौधों से हम सब्जियां और फल हासिल करते हैं। पता है ना आपको, अगर हमारे पास सब्जियां और फल ना हो तो हम क्या खाएंगे? हमारे खाने के लिए तो चीज़ें ही नहीं बचेंगी ना। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा कुदरती वसाइल हैं। इसी तरह कुछ जानवर, जैसे कि आपके सामने बड़ी ही खूबसूरत सी गाय नज़र आ रही है। आपको पता है ना, गाय हमें दूध देती है और हम इसका गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके सामने मुर्गी है जो हमें अंडे देती है और हम इसका गोश्त भी खा सकते हैं। देखा बच्चों, ये वो तमाम कुदरती वसाइल हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलें, कभी आपने चट्टानों के बारे में सुना है? नहीं, चलें मैं बताती हूँ चट्टानें क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये कुदरती वसाइल हैं, लेकिन ये क्या होती हैं? ज़मीन चट्टानों से बनी है। ठीक है बच्चों, इन चट्टानों से लोहा, नमक, सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर निकाले जा सकते हैं। हवा, बारिश और धूप चट्टानों को तोड़ फोड़ कर मिट्टी बना देती हैं। अक्सर पौधे मिट्टी में उगते हैं। ठीक है बच्चों, देखा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं हमें चट्टानों से। तांबे से तारे और सिक्के बनाए जाते हैं, सोने से जेवरात बनाए जाते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप सबको सोना पसंद है ना, खासकर लड़कियां, उनको जेवरात कितने पसंद हैं, सोने के कड़े, सोने की अंगूठियां पहनना सबको पसंद है ना। तो ये सब क्या हैं? ये कुदरती वसाइल हैं जो कि हमें चट्टानों से हासिल होते हैं। संगमरमर भी एक चट्टान है जिससे इमारतें बनती हैं। आपको एक और बात जानने की ज़रूरत है, लोहा, कोयला, नमक, कीमती पत्थर, तांबा, सोना और चांदी वगैरह, ये सब मादनियात हैं जिनको हम इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। हमारा मुल्क मादनियात की दौलत से मालामाल है। कभी आपने खेड़ा की कान देखी है, नमक की कान? अगर नहीं देखी तो जब भी आपके स्कूल का ट्रिप जाएगा, आपने अपने टीचर से कहना है हमें नमक की कान दिखा कर लाएं। वहाँ आप देखेंगे कि कुदरती तौर पर कितना सारा नमक है, वो पूरी कान सिर्फ नमक से भरी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मुल्क मादनियात की दौलत से मालामाल है। चलें अब सफ़र नंबर 39 पर देखते हैं, कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी चीज़ें। जी बच्चों, अब हमने देखना है कि हम किस तरह से खुद से कुदरती वसाइल से चीज़ें बना सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द चीज़ें या तो कुदरती हैं या इंसान के तैयार करना है। वो मादी चीज़ें जो हमें ज़मीन से हासिल होती हैं कुदरती मादी चीज़ें कहलाती हैं। इंसान कुदरती मादी चीज़ों के रंग, शक्ल या जसामत में तब्दीली ला सकता है। जैसे आपको पता है कि मिट्टी से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, लकड़ी एक कुदरती वसाइल है, उसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं। तो देखें, लकड़ी कुदरती मादी चीज़ है, लकड़ी से कुर्सी इंसान ने बनाई। चिकनी मिट्टी कुदरती तौर पर पाई जाती है और मिट्टी से घड़ा इंसान ने बनाया। चलें अब एक सरगर्मी कर लेते हैं। आपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस फहरिस्त को मुकम्मल करना है कि पानी आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी से आप क्या क्या बना सकते हैं, मिट्टी से आप क्या क्या बना सकते हैं और तांबा आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, आपने ये सरगर्मी करनी है जी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल, और फिर हमने देखा कि हम कुदरती अशिया से, कुदरती मादी चीज़ों से किस तरह से खुद भी चीज़ें बना सकते हैं। उम्मीद है आपको कुदरती वसाइल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब आप दूसरों को कुदरती वसाइल के बारे में बता सकेंगे और मादनियात के बारे में भी बताइएगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कुदरती वसाइल का बहुत सारा ख्याल रखें, पानी को ज़ाया होने से बचाएं और उसका कम से कम इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।